एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं निशा आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, और ये ऑगस्ट कॉम्टेट ने दिया है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में जो ये दिया है थ्योरी, ये ऑगस्ट कॉम्टेट ने दी है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑगस्ट कॉम्टेट के बारे में बताया, ऑगस्ट कॉम्टेट जो थे वो हमारे फादर थे सोशियोलॉजी के, जिन्होंने सोसाइटी में पहली बार सोशियोलॉजी वर्ड को लाया, और जिसके लिए क्या क्या उन्होंने सोशियोलॉजी में मैरिज, किनशिप, अलग अलग रिलेशनशिप बताए। तो अगर आपको ऑगस्ट कॉम्टेट के बारे में और जाना तो मैंने आप एक दिन पहले वीडियो डाली है, आप उसको जाके देख सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था, और पॉजिटिविज्म की 3 स्टेजेस के बारे में बताया था। और जो 3 स्टेजेस थी मैंने बताई थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक, और उसी के रिलेटेड जो है ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है थ्योरी उसी के रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमैनिटी क्या होता है। ह्यूमैनिटी होता है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला, या एक दूसरे के साथ इंसान को इंसान के साथ हेल्प करने वाला, मैनकाइंड मतलब मैन इंसान के साथ, काइंड मतलब अच्छी तरह रहना, प्यार से और मिलजुल के रहना, वो इन्होंने बताया ह्यूमैनिटी में। तो देखते हैं इन थियोलॉजिकल स्टेज, आपको पता होना चाहिए थियोलॉजिकल स्टेज कौन सी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था थियोलॉजिकल स्टेज वो होती है, 3 स्टेजेस बताई थी मैंने आपको, थियोलॉजिकल स्टेजेस वो होती है, ये जो है इसमें हम गॉड की वर्शिप करते हैं। और इसके मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, फेटेइज्म, मोनोइज्म, पॉलीइज्म, 3 टाइप्स बताई थी। तो जो है थियोलॉजिकल स्टेज है वो रेफर करती है कि इसमें हम गॉड की वर्शिप करते हैं। ये लिखा है सुपर नेचुरल फोर्सेज, हम किसकी वर्शिप करते हैं, जो मतलब सुपर नेचुरल, जो मतलब आत्मा वगैरह होते हैं उसमें हम विश्वास करते हैं। वर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट मतलब वो हमारे चीजें होती हैं वर्शिप करने के लिए। एंड गॉड वॉज एवरीथिंग, और उसमें क्या होता है, गॉड क्या होता है, सब कुछ होता है। किसमें, थियोलॉजिकल स्टेज में हमने पढ़ा था, थियोलॉजिकल स्टेज वो होती है जिसमें हम फिक्स ऑब्जेक्ट की जो है पूजा करते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गया, ट्रीज हो गया, या फिर अलग अलग गॉड की वर्शिप करते हैं। तो थियोलॉजिकल स्टेज में ये था। तो फिर क्या हुआ, बट इन साइंटिफिक रिलीजन, जो साइंटिफिक रिलीजन था, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक रिलीजन कौन सा होता है, जब हमने आपको 3 स्टेजेस बताई थी उसमें साइंटिफिक बताई थी। साइंटिफिक वो होता है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, और पूरा साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, उसको बोलते थे हम साइंटिफिक रिलीजन। और इधर क्या किया, गॉड को रिप्लेस करके ह्यूमैनिटी कर दिया। इन्होंने बोला गॉड को, पहले हम गॉड की पूजा करते थे, अब इन्होंने गॉड को रिप्लेस करके ह्यूमैनिटी, इन्होंने बोला हमें इसकी पूजा करनी है, ह्यूमैनिटी की वर्शिप करनी है। तो गॉड ने क्या बोला, ह्यूमैनिटी विल बी वर्शिप, इसमें किसकी वर्शिप करनी है, ह्यूमैनिटी इंसानियत की जो है हमें क्या करनी है, वर्शिप पूजा करनी है। तो जो ऑगस्ट कॉम्टेट थे उन्होंने क्या क्या लिखा, ह्यूमैनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज हु आर डेड एंड हु आर लिविंग एंड हु वुड बी बॉर्न इन फ्यूचर। डेड का मतलब है सेक्रीफाइस, यहाँ पे जिन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या फिर जो लिविंग अभी जो जिंदा है, एंड वुड बी बॉर्न इन फ्यूचर, और जो हमारे फ्यूचर में पैदा होने वाले हैं हमें क्या करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और ही टोल्ड टू लव मैनकाइंड, उसने ऑगस्ट कॉम्टेट ने क्या बताया कि हमें मानव जाति से क्या करना है, प्यार करना है। मैनकाइंड होता है मानव जाति, जितने भी हमारे इंसान है हमें मानव जाति की क्या करना है, वर्शिप करनी है। ह्यूमैनिटी में क्या बताया, सेल्फिशनेस इज सिन। सेल्फिशनेस क्या होता है, जब हम मतलब निकालते हैं एक दूसरे से, जैसे कि मेरा काम हो गया तो मैं सेल्फिश बन गई, अब दूसरे की बारी आई तो मैं उस काम को नहीं करूँ, तो मतलब हम सेल्फिश बन जाते हैं। ह्यूमैनिटी में बोला सेल्फिश जो है सिन मतलब पाप है, सेल्फिश जो है पाप है। सेक्रीफाइस इज अ वे ऑफ सेल्वेशन, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना, वही हमें सेल्वेशन मुक्ति दिला सकता है।
क्या है, अगर हम अपने देश के लिए बलिदान देंगे या अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे जो हमें लोग बाद में याद करेंगे, सैक्रिफाइस वो ही है जो हमें क्या कर सकती है, मुक्ति दे सकती है। लिव फॉर अदर्स एंड नॉट फॉर योरसेल्फ, ये क्या की थी अगस्त कॉपटेड ने, कमान दी। लिव फॉर क्या लिखा है, लिव फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए जियो। हम क्या करते हैं, सब कुछ अपने लिए, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, मेरे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए अच्छी से अच्छी, मेरे पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने। हम सब कुछ क्या करते हैं, अपने लिए सोचते हैं और दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। तो वैसे अगस्त कॉम्पटेट ने एक कमांड दी, लिव फॉर अदर, दूसरों के लिए जियो एंड नॉट फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए मत जियो। फिर सुना लव एंड अफेक्शन, मतलब एक दूसरे से प्यार, प्यार के साथ रहो। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन, इन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप बताया इंसान और इंसान के बीच में। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारा देश है जो, यहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखती है आपको, बिल्कुल नहीं दिखती है। अगर हम यहाँ से जैसे अभी हम रोड में जा रहे हैं, हम देखते हैं हमारी गाड़ी के साथ किसी की गाड़ी से टच हो गई तो हम क्या करते हैं, लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। हम दो मिनट भी मतलब ये नहीं पूछ सकते हैं सॉरी, या ह्यूमैनिटी का मतलब ये सॉरी बोलते हैं या फिर मतलब बोले आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं लड़ाई करने आ जाते हैं और बातें करने आ जाते हैं। अगर कोई हमारे घर के पास कुछ फेंक दे तब हम क्या करने लड़ाई आने जाते हैं, लड़ाई करने आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी नहीं बोलते, ह्यूमैनिटी वो होता है मतलब हम किसी की हेल्प करेंगे, किसी पुअर लोगों की हेल्प करें, या फिर हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, जिनको ज़रूरत है उनको चीज़ें दें और एक दूसरे का पीस शांति के साथ रहें, लव के प्यार के साथ रहें, लव पीस और सबके साथ क्या करें अच्छे से रहे, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी में बेस्ट ही होता है हम प्यार, एक दूसरे से प्यार करें, हमारे जो आसपास में हो चाहे फैमिली में हो, हमें खुद के लिए नहीं जीना है दूसरों के लिए जीना है, यही होता है मैनकाइंड। और उसके बाद मैं आपको अभी एक और टॉपिक पढ़ाती हूँ, और अभी जो हमारा टॉपिक है वो भी अगस्त कॉम्पटेट का है, वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, वो भी हमारा इस टॉपिक के बाद आता है, वो भी मैं आपको आज करा देती हूँ। फिर इस अगर मैं आपको आज ये करवा दूंगी तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। तो अभी जो है वो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अभी जो हमारी टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। और जो ये भी है, ये भी किसने दिया है, अगस्त कॉम्पटेट ने दिया है। इसमें क्या बताया है इन्होंने, इसको हम बेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, ये हमारी बेस्ट थ्योरी है, इसको हम हायरार्की ऑफ साइंस भी बोलते हैं। और जो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस जो है, जो इसको हम हायरार्की ऑफ साइंस ही बोलते हैं, हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस या फिर डिस्कस हायरार्की ऑफ साइंस जो अगस्त कॉम्पटेट ने दिया है। तो इसमें जो है ये भी किससे कनेक्ट है, हमारे थ्री लॉ से कनेक्टेड है। थ्री लॉ है वही जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक। जो ये वाली थ्योरी है हायरार्की ऑफ साइंस, इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक तरीके वाले से, साइंटिफिक स्टेज, इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक स्टेज के बारे में जो हायरार्की ऑफ साइंस से थी। तो क्या बताया इसमें, सबसे पहले इन्होंने बताया मैथ्स, मैथमेटिक्स। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमें मैथ्स कैलकुलेशन जो है अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया अगर हमें ये आती होगी तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, फिजिक्स। फिर क्या बताया, केमिस्ट्री। फिर क्या बताया, बायोलॉजी। फिर क्या बताया, सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस जो है वो हमारी इसके ऊपर बेस है,
सबसे पहले हमें मैथमेटिक आएगा, उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम सन मून वगैरह ये सब की हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जाके हमारा फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा, फिर जो है सोशोलॉजी आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हम मैथमेटिक में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जब हमें अच्छे से मेजरमेंट कैलकुलेशन आएगी उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है जिसमें हम क्या करते हैं सन मून, मतलब इसमें कंपेयर करते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितनी कितने मून मून जो है हमारे यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, सन स्टार्स ये सब जो है इसमें हम एस्ट्रोनॉमी। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें बताते हैं लॉ, मॉलिक्यूल्स, ये सब जो है ये है लॉ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैथमेटिक आएगा, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आएगा, जब हमें सबसे पहले मेन बेस है मैथमेटिक आएगा, फिर जाके ये सब आएंगे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आएगा जिसमें हम सन मून वगैरह इस सब के रिलेटेड पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स आता है जिसमें हम लॉ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद आती है केमिस्ट्री जिसमें हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ये सब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में हम, डीकम्पोजिशन ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे ये H2O CO2 के साथ बनके क्या बनेगी, ये सब हम किसी सीखते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है बायोलॉजी, ये जो होता है हमारे ह्यूमन मतलब लिविंग जो जिंदा होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक वो हो जाता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, ठीक है, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें बायो बॉटनी जूलॉजी ये सब आते हैं। तो ये क्या होता है ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक में बायोलॉजी मतलब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका जो होल स्ट्रक्चर है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बायोलॉजिक वाला आता है सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में जो है हम क्या पढ़ते हैं रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसका, सोसाइटी का, हमें कैसे मतलब इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ये सब किसमें जाना जाता है सोशोलॉजी। तो ये क्या हुआ हायरार्की ऑफ साइंस में इंक्रीज होता गया, क्या गया बढ़ता गया। तो यही हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस जो अगस्त कॉम्पिटेटिव में दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरा चैनल जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करो ताकि मैं रोज़ आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू फॉर